एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथिंग 227। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार के कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है और उसका जो कट ऑफ है वो क्या जाता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार इंजीनियरिंग या बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन से रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला नंबर पे आपको जो कॉलेज आता है वो आता है MIT मुजफ्फरपुर। उसमें CSE ब्रांच नहीं है, उसमें जो है IT ब्रांच है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इस ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आपको जो परसेंटाइल होना चाहिए JEE मेंस में वो 85 से 95 के बीच, अगर परसेंटाइल आपका JEE मेंस में तो आपको MIT मुजफ्फरपुर में IT ब्रांच मिल जाएगा। और जो सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आता है आपका BCE भागलपुर। आपको इस कॉलेज में CSE ब्रांच चाहिए तो आपको जो JEE मेंस में परसेंटाइल होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 84 से अगर 94 परसेंटाइल के बीच में आपका परसेंटाइल बन रहा है तो आपको BCE भागलपुर में जो है सो CSE ब्रांच मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे सेफ जोन कट ऑफ लिखे, यहाँ पे जो है ये 82 भी हो सकता है, वो आपके कास्ट पर मतलब कि डिपेंड करता है। अगर आप OBC हो तो आपको मतलब 82 पर मिल जाएगा, ST ST हो तो उसके लिए भी कुछ कम हो जाता है। बस ये भी हम यहाँ पे जितने कट ऑफ लाए वो जनरल कंसीडर करके लाएँ, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। मतलब 2-3 परसेंटाइल ही OBC के लिए कम होता है और SC ST के लिए मतलब आपका मतलब 84 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि मतलब 5 परसेंटाइल कम कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा SC ST के लिए निकल जाएगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं थर्ड कॉलेज के। तो वहाँ पे आता है आपका NCE चांडी। यहाँ पर भी CSE ब्रांच उपलब्ध है। अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए इस ब्रांच में तो आपको जो JEE मेंस में परसेंटाइल होना चाहिए वो होना चाहिए 83 से 93 के बीच में। अगर आपको परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पर CSE ब्रांच मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आप फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है आपको BCE बख्तियारपुर। इसमें भी CSE ब्रांच उपलब्ध है और इसमें इस बार है क्या कि CSE ब्रांच से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये पटना के नियरेस्ट में ये जो कॉलेज है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस बार प्रदर्शन हुआ है इसका मतलब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें जो आपका एडमिशन चाहिए CSE ब्रांच में तो आपको जो JEE मेंस में परसेंटाइल होना चाहिए वो 82 से 92 के बीच आपका परसेंटाइल है तो यहाँ पे आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है वो आता है DEC दरभंगा। इसमें भी CSE ब्रांच के लिए जो कट ऑफ है वो 81 से 92 परसेंटाइल का मतलब बीच में है तो आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन इस बार DCE दरभंगा से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आया है कि कोई एक बच्ची है, मतलब गर्ल्स है, उसका मतलब सिस्को जो कंपनी है उसमें प्लेसमेंट हुआ है। उसका जो प्लेसमेंट लगा वो 16 लाख का प्लेसमेंट लगा है। तो आप लोग यहाँ पर CSE ब्रांच का मतलब पता लगा सकते कि कैसा होगा CSE ब्रांच, 16 लाख का पैकेज लगा है। तो देखिए, अगला जो कॉलेज है वो है आपका LNJPIT छपरा। तो इसमें भी CSE ब्रांच उपलब्ध है और इसका जो है सो कट ऑफ जाता है वो आपको अगर JEE मेंस में 80 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल बन रहा है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आपका आता है MCE मोतिहारी। तो MCE मोतिहारी, यहाँ पर भी CSE ब्रांच उपलब्ध है। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए CSE ब्रांच में तो आपको जो परसेंटाइल होना चाहिए JEE मेंस में वो आपको आना चाहिए 80 से अगर 89 के बीच आपको परसेंटाइल है JEE मेंस में, तो मतलब आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर कोर ब्रांच के लिए बहुत ही कम जाता है, जैसे कि CSE के लिए आपका 80 है तो इसमें 73 चल जाएगा मतलब कोर ब्रांच के लिए, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, यह सब के लिए 73 परसेंटाइल है तो आपके MCE मोतिहारी में मतलब मिल जाएगा ये सारे ब्रांच। बट CSE के लिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहता है तो इसका जो 80 से 89 परसेंटाइल यहाँ पर जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉलेज में आपका आता है GEC गया। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इसमें अगर CSE ब्रांच चाहिए आपका तो उसके लिए आपको जो परसेंटाइल होना चाहिए JEE मेंस में, अगर आपको 78 से 88 के बीच आपका परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पे CSE ब्रांच मिल सकता है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज के, अगर आपका परसेंटाइल कहीं पे 71 से 81 के बीच बन रहा है तो आपको जो कॉलेज मिलेगा वो RSDCE बेगूसराय, ये मिल जाए आपको, इसमें मिल जाएगा आपको CSE ब्रांच। और अगला जो कॉलेज वो आप कहते हैं BPMC मध्यपुरा। तो इसमें अगर आपका परसेंटाइल 68 से 78 के बीच है, यानी 65 भी इस यहाँ पे चला जाता है कभी कभी, तो 65 और 78 के बीच में आपका जो
परसेंटाइल आया है और आपको सीएसई ब्रांच ही चाहिए तो यहाँ पे आप बढ़ सकते हो, आपको बीपीएमसी मतलब मिल सकता है ये कॉलेज। नेक्स्ट जो आता है आपका यहाँ पे कुछ छुपे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं केसीई कटिहार, तो आपको केसीई कटिहार में भी सीएसई ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ पे अगर आपको सीएसई ब्रांच चाहिए तो उसके लिए जो आपको जेई मेंस में परसेंटाइल होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 65 से 75, ये 60 भी चला जाता है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं सीएसई ब्रांच के लिए, आपका अगर 60 से 75 के बीच में परसेंटाइल है तो। और नेक्स्ट बात करते हैं तो यह है आपका एसआईटी सीतामढ़ी, तो यहाँ पे अगर आपको सीएसई ब्रांच चाहिए तो आपको अगर 65 से 75 के बीच में परसेंटाइल है तो यहाँ भी आपको मतलब सीएसई ब्रांच है वो मिल जाएगा। जो नेक्स्ट और लास्ट कॉलेज है आपको वो है आपका सीएससी सासाराम, तो यहाँ पर भी आपको सीएससी ब्रांच इस कॉलेज में भी उपलब्ध है। अगर आपका 60 से 65 के बीच यानी आपका मानिए कि 55 भी परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को मतलब भर सकते हो काउंसलिंग में और आपको ये यहाँ पर सीएससी ब्रांच उपलब्ध हो जाएगा। अगर देखिए बात कर लेते इस कॉलेज में, सभी कॉलेज में जितना डिस्कस किए वो सारे कॉलेज में कोर ब्रांच के लिए, तो वहाँ पर अगर आपका कोर ब्रांच के लिए उससे 10 परसेंटाइल कम भी है ना तो आपको वहाँ पर कोर ब्रांच ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बिहार में जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है जिस ब्रांच को, वो दो ही ब्रांच को डिमांड रहता है, एक होता है कि सीएसई और दूसरा है आपका सिविल मतलब सीए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये दोनों ब्रांच आप ले सकते हो। और यहाँ पे अच्छा एक ब्रांच है वो आपके लिए वो है ईसीई जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है, तो आप इसको भी मतलब आपको कंप्यूटर साइंस न मिले तो आप ये भी ब्रांच एडॉप्ट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड और भी अपडेट हो और हम आपको देते रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, आपको जो भी डाउट हो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो।